शाहीन बाग का धरना जो 101 दिन चलने के बाद उसको खत्म कर दिया गया, दिल्ली पुलिस ने उसको खत्म कराया। तो उसको खत्म इसलिए कराया क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है भारत के अंदर, और कोरोना वायरस को देखते हुए ऐसा ना हो जाए कि शाहीन बाग के रास्ते पूरे दिल्ली में कोरोना वायरस ना फैल जाए, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उसको हटा दिया गया और शाहीन बाग के धरने को खत्म कर दिया। पर शाहीन बाग के धरने के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि जब कर्फ्यू लगा दिल्ली के अंदर और धारा 144 लगाई गई तो हम उसका पालन कर रहे थे, सिर्फ धरने के अंदर एक दो ही लोग बैठे थे, पर दिल्ली पुलिस ने आकर सारी चीजें हमारी तोड़ दी और धरने को पूरी तरीके से तोड़ दिया और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। अब शाहीन बाग के जो लोग हैं धरने को जो हटाई और दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई करी है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। क्या याचिका डाली है, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शाहीन बाग का धरना खत्म नहीं होना चाहिए, तो अगर आप भी मानते हैं तो इस वीडियो को आप प्लीज लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। दोस्तों याचिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर शाहीन बाग को लेकर जो याचिका डाली है शाहीन बाग के लोगों ने, उसमें यह लिखा गया है कि दिल्ली पुलिस ने अचानक आकर हमारे शाहीन बाग के धरने को पूरी तरीके से तोड़ दिया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सबसे पहली तो मांग हमारी यह है कि शाहीन बाग में जो लोगों को हिरासत में लिया दिल्ली पुलिस उनको छोड़नी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हमें आदेश दे। वहीं दिल्ली पुलिस पे भी कार्रवाई की मांग करी है कि दिल्ली पुलिस हम जो कर्फ्यू का और धारा 144 का हम सारा पालन कर रहे थे, सिर्फ एक दो ही लोग वहां पर धरने में बैठे थे और सैनिटाइजर लगाकर जो भी लोग वहां बैठे थे सारी कार्रवाई और मास्क लगाकर बैठे थे, पर दिल्ली पुलिस ने आकर हमारे धरने को जो एक शांतिपूर्ण धरना चला है 101 दिन हो गए थे, पर दिल्ली पुलिस ने आकर उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी यही मांग है कि शाहीन बाग का धरना दोबारा से लगना चाहिए और जो लोगों को हिरासत में लिया है उनको दिल्ली पुलिस से छोड़ने की अपील करी है और ये फैसला देने को कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो डाल दी गई है, अब याचिका पर कब सुनवाई होगी ये आने वाला टाइम बताएगा। जैसे ही कुछ खबर मिलेगी मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊंगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।